हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं माय स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूं तो मैं यूट्यूब के बारे में इस चैनल पे वर्षों से बता रहा हूं ऑडियंस को, लेकिन अब 2020 है और आज के डेट में बहुत सारे लोग, वो लोग खास करके जो यूट्यूब पे अब आना चाहते हैं, चाहे वो यूथ हों, यंगस्टर्स हों, बड़े लोग हों, बुजुर्ग लोग हों, अब इतना बदल गया है यूट्यूब पहले से, पिछले 3-4 साल से जो रूल्स थे, एक एक छोटे छोटे चीज़ में भारी बदलाव आ गया है। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो रूल्स उसका जानना, कैसे क्या चीज़ें होती हैं जानना, वो हर चीज़, चाहे वो उसका डैशबोर्ड हो क्रिएटर स्टूडियो का, या फिर उसका ऑपरेटिंग रूल्स हो, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जो हर चीज़ बदल गया है पूरी तरह से। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों नहीं आज के लोगों के लिए जो अब आना चाहते हैं यूट्यूब के लिए, उनको एक फ्रेश, बिल्कुल स्क्रैच से, शुरुआत से हर चीज़ पर गाइड किया जाए 2020-21-22 के लिए। तो यही सोच से हम आज इस चैनल पे शुरुआत कर रहे हैं एक नए सिरे से ट्यूटोरियल। ये जो ट्रेनिंग ट्यूटोरियल्स होंगे, ये 10-15 मिनट के वीडियो सीरीज़ में आएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ आएंगे, लेकिन एक दो दिन करके आएंगे बीच करके, और आप उन वीडियोस को अगर वॉच करेंगे तो हम ये आपसे वादा करते हैं कि आप बिल्कुल अपडेटेड हो जाएंगे आज के डेट में यूट्यूबर कैसे बने, उसमें क्या रूल्स हैं, क्या पॉलिसीज है उसके हिसाब से। तो दोस्तों, हम शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले, जो लोग यूट्यूब पे आते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, दुविधाएं होती हैं बहुत सी चीज़ों को लेके, वो चीज़ें पहले क्लियर कर दें, उसके बाद आप डिसीजन बनाइए कि आपको आना है नहीं आना है। आना है फिर कैसे बताएंगे अगले ट्यूटोरियल में, कैसे चैनल बनाते हैं, क्या क्या पॉलिसी, और बहुत सारी चीज़ें, महीने दिन लग जाएंगे सब कुछ पूरा बताने में। तो शुरुआत करते हैं आज इस सवाल से कि यूट्यूबर्स जो हैं आज के डेट में कितना पैसा कमाते हैं। सबसे पहला सवाल यही आता है, क्योंकि आप अपने रिश्तेदार, दोस्त या फिर यूट्यूब पे खुद जिसे देखते हैं, आपके मन में जरूर होता होगा कि आखिर ये कितना पैसा कमाता है। बहुत से लोग तो अपनी नौकरी छोड़ के, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़ के यूट्यूब पे आ जाते हैं। कुछ लोग फेम के लिए आते हैं, पॉपुलरिटी के आते हैं, कुछ लोग पैसे के लिए आते हैं। तो आखिर यह है क्या, बहुत बड़ा बेरोजगारी का देश में जो है ये चीज़ों को संभाल लिया यूट्यूब। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे कि पैसा कितना मिलता है इन लोगों को, और हम आए या नहीं आए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा और भी मन में सवाल होगा कि कितना मुश्किल है इस पर काम करना, कितना मुश्किल है इस पर सफल होना। इसके अलावा क्या इसे हम फुल टाइम कंटिन्यू करें, पार्ट टाइम कंटिन्यू करें, क्या रिस्की है, कितना रिस्की है, वो हर चीज़ इस वीडियो में हम आपको कवर करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल के, कितना पैसा है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब पे जो पैसा मिलता है वो बहुत तरीके से मिलता है। बेसिक तो जो रूल्स है कि पहले आप यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करेंगे तो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरे हो जाएंगे आपके सभी वीडियोस मिला के, तो आपके चैनल पे मोनेटाइजेशन एनेबल होता है। उसके लिए फिर आपको एड्स आते हैं वीडियोस पे, और एड्स का ही पैसा मिलता है आपको। अब कितना पैसा मिलता है वो थोड़ा बता दें, ये बहुत वैरी करता है अलग अलग कैटेगरी के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, बहुत ज़्यादा वैरी करता है। ठीक है, अगर एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड चैनल है जो कि मोबाइल रिव्यू करता है, जो कि सॉफ्टवेयर के बारे में बताता है, जो यूट्यूब के बारे में बताता है, एप्लीकेशन के बारे में बताता है, उनकी जो कमाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है दूसरों के कंपैरिजन में। अब मैं यहाँ पे केवल और केवल एड्स की रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ, जो प्रचार से आपको पैसा मिलेगा वो। तो अब एक पैमाने के तौर पर, एक मेजरमेंट के तौर पर हम मान लेते हैं कि किसी एक यूट्यूब चैनल जिसपे कितना भी सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर कोई मायने नहीं रखते हैं कि आपको कितने पैसे मिलेंगे उससे। ठीक है, व्यूज़ डेफिनेटली मायने रखते हैं, एक व्यूज़ के पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन व्यूज़ से ये अंदाज़ा हो जाता है कि अमूमन, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि एक बंदे का यूट्यूब चैनल जिसपे हर रोज़ वो वीडियो डालता है और हर वीडियो पर 1 लाख व्यू आता है हर रोज़, याद रखिए आप बोले हर रोज़ वीडियो डालता है और हर रोज़ उसके वीडियो पर 1 लाख औसतन एवरेज व्यू आता है, तो वो कितना कमा सकता है अगर टेक चैनल चलाता है तो। हम आपको बता दें, अगर वो रोज़ वीडियो डालता है और ऑन एन एवरेज अगर उसको 1 लाख व्यू आता है, तो उस बंदे को डेफिनेटली उसकी कमाई जो है वो 2.5 लाख, 2.5 लाख से लेके 3.5 लाख महीने मिलता है टेक चैनल पे। जी हाँ, बिल्कुल, अगर वो महीने में, मतलब एक दिन बीच करके डालता है, तो आप समझ लीजिए 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास उसको मिलता है। ये बिल्कुल फैक्ट फिगर जो हम बता रहे हैं, ये टेक्स चैनल्स पे तो कोई भी बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हम इस फील्ड में 8 साल से हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत से चैनल्स को जो और कमाई होती है। ये एड रेवेन्यू की बात कर रहे हैं हम आपको, ठीक है। बाकी इसमें अर्निंग जो टेक वाले होते हैं उनको एफिलिएट अर्निंग भी काफ़ी होती है, उसके बाद फिर
स्पॉन्सरशिप से भी काफ़ी अच्छा खासा, जितना आपका चैनल का व्यूज़ आता है उसके हिसाब से, जो स्टेटस है उस हिसाब से आपको उतना ज़्यादा पैसा मिलता है कि एक वीडियो के लिए कंपनी देती है कि मेरे लिए एक्सक्लूसिव प्रचार करो, ये चीज़ें मेरे सामान बेचो अब, तो वो चीज़ें होती है। खैर छोड़िए वो बातों को, आगे बढ़ते हैं दूसरे कैटेगरीज के बारे में। दूसरा जो सबसे अव्वल तरीका दर्जे का कैटेगरी है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एड्स रेवेन्यू मिलते हैं, वो होती है ब्यूटी, जो होता है खूबसूरती के बारे में जो टिप्स देते हैं उसके बारे में, जो क्योंकि आपको पता है कि टीवी पे क्या होता है, उसमें बहुत कंपनीज जो हैं जो इस ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं एड्स पे, तो डेफिनेटली उसका एड्स जो जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा पैसा आपको मिलना ही मिलना, तो ये एड्स भी महंगे होते हैं। यहाँ पे भी अनुमान अगर कोई ब्यूटी टिप्स वाले जो यूट्यूबर हैं वो अगर रोज़ वीडियो डालते हैं, 1 लाख व्यू आता है उनके चैनल पर डेली, तो उनकी भी कमाई कम से कम आप मान लीजिए 2.5 से 3 लाख रुपये बन जाती है। अगर वो एक दिन बीच करके डालते हैं तो 1.5 लाख रुपये केवल ऐड से वो कमाएंगे ही कमाएंगे, इससे कम नहीं कमाएंगे। मैं आपको पता लिख के देता हूँ ये चीज़ें, ठीक है, इससे ज़्यादा ही हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। बाकी और जो कैटेगरी होगा जैसे जो व्लॉगर्स हो गए, व्लॉगिंग करते हैं, बाकी गेमिंग चैनल्स है, बाकी कॉमेडी चैनल है, और भी तरह के चैनल, हर तरह के एजुकेशनल चैनल हैं, इन पे औसतन जो एड रेट्स हैं वो एवरेज हैं। यानी इनके हिसाब से अगर आप इन कैटेगरीज में अगर रोज़ व्लॉगिंग करते हैं और व्लॉगिंग करते हैं और आपके वीडियोस पे औसतन अगर 1 लाख व्यू मिलता है हर रोज़ का, हर रोज़ वीडियो डालते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपकी महीने की कमाई जो है 1 लाख से 1.5 लाख रुपये तक हो जाएगी, बिल्कुल इससे कम नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी, 1.5 लाख रुपये से 1 से 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा ही होगी, इससे कम, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना मैंने टेक के बारे में बताया और जो ब्यूटी के बारे में बताया। ऐसा ही और भी कैटेगरी एजुकेशनल में भी, एजुकेशनल में है कि अपने वो लोग जो स्टडी मटेरियल है वो लोग बना के एक्सक्लूसिव बेचने लगते हैं, वो एक्स्ट्रा इनकम होता है। तो हर चीज़ में ये चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो कुछ चैनल्स हैं जिसमें थोड़ा अर्निंग की दिक्कत होती है वो होता है फनी कॉमेडी चैनल्स, क्योंकि म्यूज़िक यूज़ करेंगे तो उसमें थोड़ा रेवेन्यू शेयर हो जाता है उधर, तो वहाँ दिक्कत होती है। तो और जो कवर सॉन्ग गाते हैं, डांस करते हैं, उसमें बिल्कुल पैसे नहीं होते हैं इस चीज़ के, वो बस पॉपुलैरिटी के लिए करते हैं कि पॉपुलैरिटी हो जाए, उस स्टेज उस मंच तक पहुँच जाए जहाँ वो जाना चाहते हैं। बहुत से लोग काम करते हैं बिना पैसे के लिए, केवल पॉपुलैरिटी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, अब आप समझ गए कि ऐड से कितना रेवेन्यू। अब यहाँ पे देखिए, अब ऐड जो है पैसे आप ऐड से जो अर्न कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ऐड्स ही मेन स्ट्रीम अर्निंग, मेन जो मुख्य जरिया होता है यूट्यूबर का अर्निंग का वो ऐड्स होते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ डेफिनेटली ये ज़रूर है कि जो शुरुआत करता है जब यूट्यूबर, तो उसका मुख्य सोर्स ऑफ अर्निंग ऐड होता है, ऐड्स जो यूट्यूब की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करते जाता है, बड़ा होते जाता है, बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो आप रियलाइज़ करेंगे कि जो स्पॉन्सरशिप, यानी पर्टिकुलरली आपको कोई कंपनी कॉन्टैक्ट कर लेती है आपके ईमेल एड्रेस पे और उस ईमेल एड्रेस से बोलती है कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट है, आप प्लीज़ इसका प्रमोशन कर दीजिए, मैं इसके लिए आप जितना पैसे मांगे उतना मैं रेडी हूँ, तो रिव्यू कर दिए, प्रमोशन करती है, वो कंपनी उनको उनकी पॉपुलरिटी के हिसाब से वो बंदा पैसा मांगता है और वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपके चैनल पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ये करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, तो वो बंदा अनुमान एक वीडियो के लिए, स्पॉन्सर वीडियो के लिए 5 लाख 3 लाख 5 लाख ऐसे मांगता है और आराम से देते हैं, 10-10 लाख रुपये तक रुपये ये लोग ले आते हैं जितनी पॉपुलरिटी जो है, जो बहुत पॉपुलर चैनल्स हैं टॉप 10-20 एक एक स्पॉन्सर जो वीडियो होते हैं वो 5 लाख रुपये तक लेते हैं। और नॉर्मली जिनके 5 लाख 2 लाख 2 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वो लोग उस हिसाब से मांगते हैं 50,000 रुपये 40,000 रुपये 20,000, तो वो सब मिलते हैं, वो कमाई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है इन कमाई से जो एड्स होती है। इसके अलावा एफिलिएट होता है, जो वो प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, हाथ में लिए हैं, पहने हैं कपड़े या फिर माइक यूज़ किए हैं, कैमरा यूज़ किए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं, वो एफिलिएट लिंक होता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट का या फिर जो भी वेब होस्टिंग का हो, जो चीज़ें बता रहे हैं वो, तो उसमें कंपनी उसको अच्छा खासा कमीशन देती है सेल पे, तो वो बहुत से लोग भी उससे भी अच्छा खासा काफ़ी कमाते हैं। और ये सब इनकम मिला के जो ना एड्स से जो अर्निंग्स होती है बाद में चल के वो ज़्यादा हो जाती है, वो क्योंकि ये अर्निंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन ये जो होती है ना वो बढ़ जाती हैं, एक्स्ट्रा जो अर्निंग्स होती हैं। तो मिला जुला के एक ऐसा ये फैक्ट है बिल्कुल कि यूट्यूबर्स की कमाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा कमाते हैं। अगर कोई पॉपुलर यूट्यूबर है तो डेफिनेटली नौकरी, कोई भी कितनी भी अच्छी नौकरी हो, अगर आप कितनी भी अच्छी नौकरी करेंगे 4 लाख 3 लाख 4 लाख कमाते हैं, लेकिन यूट्यूबर अगर आप बन जाते हैं बहुत बढ़िया, अगर चमक जाते हैं तो
मतलब अच्छी खासी आपकी कमाई है, जो कि नौकरी में बिल्कुल नहीं होती। नौकरी में आपको बाउंडेशंस है, बट यहाँ पे बिल्कुल फ्री है आप, ऊपर से आपका फेम वगैरह अलग है। ये देखिए, ये सब तो प्रोज चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसकी कॉन्स भी हैं, इसके नेगेटिव चीज़ें भी हैं कि ये एक रिस्की करियर है। शुरुआत में जब स्टार्ट करेंगे तो आप अगर उसके रूल्स को नहीं जानते हैं अच्छे तरीके से, तो आपका पूरा मेहनत बेकार हो सकता है। चैनल आपका बना बनाया मेहनत, इतना वीडियो अपलोड किया, सारा यूट्यूब डिलीट कर सकता है। बहुत सारे बैड एलिमेंट्स हैं जो कि आपको फेक झूठा कॉपीराइट स्ट्राइक दे देंगे, आपका चैनल डिलीट हो जाएगा। तो ब्लैकमेल करते हैं, हैक कर लिया जाता है चैनल। इसलिए रूल्स रेगुलेशन थोड़ा टेकी होना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में, आपको फुल टाइम उतरने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल आता कि फुल टाइम उतरना सही होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आज के डेट में शुरुआत में मैं किसी को नहीं कहूँगा कि फुल टाइम उतरिए। आप अपना जो काम कर रहे हैं उस चीज़ को करते रहिए, करते करते आप साइड में ये करते रहिए, और जब आपका चैनल अच्छा चलने लगेगा तो आप स्विच कर सकते हैं फुल टाइम पे, आपकी मर्जी। डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा इनकम देगा, लेकिन अब एक सवाल ये है कि कितना मेहनत है इसमें। आप पैसे तो देख लिए, उसकी लग्जरी लाइफ तो देख ली, लेकिन उसके जो मेहनत करता है, वो रात में बैठ के, दिन में बैठ के, वो अपना जो खून पसीना इस कंप्यूटर पे बैठा बहाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। सीरियसली दोस्तों, बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। एक एक वीडियो बनाने में, स्क्रिप्टिंग करना, सोचना, क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। फैक्ट है कि आज की डेट में इतने यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, इतने लोग आ गए हैं, सबको पता कि इससे पैसा मिल रहा है, तो इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं यहाँ पे कि डेफिनेटली अगर जो आज लोग वॉच कर रहे हैं, जिनके वीडियो से व्यूज आ रहे हैं, जिनको देख रहे हैं, अगर आप नए जा रहे हैं बनने के लिए, समय तो लगता ही लगता है आपको ग्रो करने में, लेकिन उस हिसाब से आपको कॉन्टेंट देना होगा। वो जो जैसा जितना अच्छा से उसका कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें वो बता रहा है, समझाने का उसका तरीका है, या फिर जितनी क्लैरिटी वीडियो में उसकी है, जो ऑडियो इतना क्लियर दे रहा है, वो हर चीज़ें आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों वॉच करेगा? अगर कोई बंदा को अच्छा मिल रहा है देखने के लिए, तो आपकी वीडियो क्यों देखेगा वो? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो कंपटीटर, अपने कंपटीटर्स को आपको इग्नोर नहीं करना, उनको देखना है, उनके साथ डेफिनेटली एक दिन में ये चीज़ें नहीं होगी। एक जो नया बंदा स्टार्ट करता है, उतना क्लियरिटी नहीं देखता है, उतना ऑडियो अच्छा, उतना क्वालिटी नहीं देगा, उतना अच्छा एडिटिंग नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है वो बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता है, लेकिन जब 6 महीना 1 साल लगे रहेगा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। और ये फैक्ट है कि जो लोग लगा हुआ रह गया है इस पर 2 सालों से, और लगा हुआ रह गया मतलब ये नहीं कि बस हम अब फिराक में पड़ रहे हैं, कहीं से प्रमोशन करवा लें, कुछ वीडियो डाले हैं प्रमोशन करा दें। अपने कंटेंट को सुधारिए, अपने आपने क्या कर रहे हैं चैनल पे, मेहनत, एडिटिंग, कॉन्सेप्ट क्यों चल रहा है, उनका चैनल क्या है, एनालिसिस कीजिए, बैठ कर सोचिए, 2-2, 4-4 घंटे सोचिए कि उनका चैनल क्यों चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें आप सोचिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, ना कि दूसरों से भीख मांगिए कि हमारा चैनल प्रमोट कर दीजिए प्लीज़। जो लोग ये चीज़ें करते हैं वो कभी नहीं सक्सेसफुल होंगे, एक दिन वो थक के छोड़ देंगे। फैक्ट बता रहा हूँ ये चीज़ें। अगर आप सोचेंगे कि हम प्रमोशन के चक्कर में पड़ें, दूसरों से हम बोले प्रमोट करा लें, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलती हैं। प्रमोट करने से एक दिन कोई देख लेगा, 2 दिन देख लेगा, लेकिन आपके कंटेंट में जब तक दम नहीं रहेगा कुछ नहीं होगा। हाँ, शुरुआत में मुझे पता है कि जब आप शुरू करेंगे तो ये बहुत मुश्किल होता है व्यूज़ लाना। ठीक है, मुश्किल होता है, लेकिन आपको सारी स्ट्रैटेजीज पता चल जाएंगी, कैसे व्यूज़ लाना है, क्या करना है, धीरे धीरे कैसे ग्रो होगा। आगे के फ्यूचर वीडियोज़ में आपको हम बताते रहेंगे कैसे क्या करना है। फिलहाल हम ये सीरीज़ यहीं पर स्टॉप करें, क्योंकि लंबा हो रहा है थोड़ा। अगले जो एपिसोड होगा ट्रेनिंग का, ट्यूटोरियल नंबर 2 जो होगा, उसमें आपको हम बताएंगे एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, पूरी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। तो उसका नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक अपडेट कर देंगे कल। और आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो, और बेल आइकन दबा तक सकते हैं ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलेंगे हमारे चैनल से, और आप अपने सक्सेसफुल करियर बनाने में एक सफल मकाम हासिल करेंगे। वीडियो में बहुत बहुत शुक्रिया।